नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। प्रतापगढ़ पीड़िता का पक्का मकान, विपक्षी ने बुलडोजर से किया जमींदोज। पीड़िता ने थाने में दी तहरीर और थाने का काट रही चक्कर। पीड़िता रहती हैं इंदौर में और गांव में हिस्से के मकान को जेठ ने किया जमींदोज, पीड़िता का आरोप। विपक्षी का दामाद अपर जिला अधिकारी सहारनपुर में तैनात, उनके बदौलत जबरन मकान जमींदोज करके कर रहे कब्जा। विपक्ष के दामाद एडीएम का गांव कुशहा थाना महेशगंज है। पीड़िता का आरोप, जेठ उन्हीं की बदौलत जबरन कब्जा कर रहे। पूरा मामला थाना महेशगंज के ग्राम हरिदत्त का पूर्वा राजापुर का। संवाददाता आरिफ हुसैन की रिपोर्ट। क्या समस्या है सर? हम लोग इंदौर में रहते हैं, हमारे जेठ जो हैं अशोक कुमार त्रिपाठी, एक 19 तारीख को मेरा मकान जेसीबी बुलवा के गिरवा दिया। पक्का मकान बिना जानकारी के, उसमें हमारे घर गृहस्थी का सारा सामान रखा हुआ था। घर गृहस्थी का सामान मकान गिरने के बाद आपको मिला? नहीं, अभी हम घर गए ही नहीं, वहाँ जाने पर हमारे जान का भी खतरा, इसलिए हम इधर उधर अभी भटक रहे हैं। ग्राम सभा बताइए। ग्राम सभा राजापुर बिंधन। थाना कौन लगता है? थाना महेशगंज लगता है। आपका नाम? रमा त्रिपाठी। पति का नाम? विनोद कुमार त्रिपाठी। किन लोगों ने मकान आकर जमींदोज कर दिया? अशोक कुमार त्रिपाठी, उनके सहयोग में उनका पुत्र अनुभव त्रिपाठी, उनकी पत्नी नमिता त्रिपाठी। थाना महेशगंज में आपने तहरीर दिया? हाँ, तहरीर दिया, हम इंदौर में थे तभी वहाँ से ऑनलाइन हमने आवेदन दिया था। हाथों हाथ दिया तहरीर हमने? यहाँ आने के बाद भी दिया, और वहाँ लगा। पुलिस ने क्या कार्रवाई की अब तक? कोई कार्रवाई नहीं की, वहाँ जाते हैं चाय नाश्ता करके वापस आ जाते हैं, उनका बराबर। अच्छा, आरोपित के यहाँ पुलिस जाती है चाय नाश्ता करके चली जाती है? हाँ, आपका मुकदमा अभी तक पंजीकृत नहीं किया गया? नहीं किया गया, जाते हैं तो बोलते हैं आज नहीं कल आना। कितने दिन से आप थाने का चक्कर काट रहे हैं? थाने का चक्कर 5 दिन हो गए सर। कोई सुनवाई आपकी नहीं हुई? कोई सुनवाई नहीं।